सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी भी पुराने व्लॉग वाले लोकेशन में ही हूँ। सो मैंने सोचा ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए और एक वीडियो बना लेते हैं, है कि नहीं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू माउंट योर कार्बोनाडो GT2 ऑन एनी स्कूटर। ओके, सो मैं आपको स्पेसिफिकली बताने वाला हूँ मेरी बर्गमैन स्ट्रीट पे मैं कैसे माउंट करता हूँ माय कार्बोनाडो GT2। इट इज़ वेरी सिंपल, सो लेट्स बिगिन। ओपन, इसको ओपन करने के बाद इसमें मेरे कुछ एसेंशियल्स पड़े हैं अभी। पहले तो मेक श्योर ये जो आपका चेस्ट बेल्ट है जो इसके साथ में आता है, इसे आपको सिक्योर कर लेना है पहले ही। एंड देन सीट ओपन करके को ये ऐसे इसके ऊपर माउंट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका बैग इधर से भी सिक्योर रहेगा, और एक एडिशनल बेल्ट आता है अगर आपके पास में GT2 है तो। आपको पता होगा कि एक एडिशनल वेस्ट बेल्ट आता है, वो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो ये अब मैंने माउंट कर दिया है इस पे, और इसे हम अभी सीट को बंद कर देंगे। एंड देयर यू हैव इट। माउंट हो चुकी है और ये बिल्कुल सिक्योर है। राइड रिव्यू भी करेंगे अभी। मिलता हूँ आपको बाइक पे। चला, बाय बाय। डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे अभी। ट्रिप को सेट करते हैं ट्रिप ए पर, और इसे कर देंगे ज़ीरो। ये हो गया ज़ीरो ट्रिप ए, और नेक्स्ट नियर अबाउट 10 किलोमीटर्स के लिए हम लोग ऐसे ही राइड करेंगे विद द बैग माउंटेड ऑन माय बैक। नॉट ऑन माय बैक, सॉरी, ऑन माय बर्गमैन्स बैक। लेट्स गो। ये लेफ्ट साइड वाला जो रास्ता है, ये ओजरखेड़ गांव के अंदर जाने का रास्ता है यहाँ पे, और इसी के साइड में एक ऊपर वाला ट्रेल मिलेगा आपको। वो ट्रेल आपको पकड़ के जाना है और ओजरखेड़ डैम। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूँगा आपके लिए। उसका लिंक अभी आ रहा होगा आपको, तो
पिज्जा है लेफ्ट राइट में ये है द फिश पॉइंट, ओदर के डैम का फिश पॉइंट है ये। इफ यू लव सी फूड यू कैन ट्राई इट आउट, आई हैव ट्राइड एंड पिज्जा एब्सोल्युटली यम्मी। ऐसे अच्छे रोड्स हो तो व्लॉगिंग करने में बहुत मजा आता है। अभी भी मैं बैग माउंट करके ही राइड कर रहा हूँ, यू कैन सी। Back on the beautiful road. चलते हैं आगे। 2.5 किलोमीटर कंप्लीटेड। कार्बोनाडो GT2 अभी भी माउंटेड है। एक्चुअली आते वक्त मैंने देखा था एक और ट्रेल लगती है आगे से, फाइव पॉइंट सेवन किलोमीटर कंप्लीटेड स्टिल माउंटेड, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम सो फार। आई थिंक यही है वो ट्रेल यहाँ से लेफ्ट साइड ये रही। चलते हैं, लेट्स सी वेयर इट लीड्स। पुढ़े गाँव है का बाबा, मग का है पुढ़े? बर थैंक यू। ओके अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से यहाँ से तो लगना चाहिए पानी। बहुत ही धीरे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि रोड बहुत खराब है, रोड है ही नहीं एक्चुअली। आगे चले,
ऐसा लग रहा है फुल जंगल है आगे। सो ग्रीन। जबरदस्त जगह है भाई, बस कोई जानवर आके खा ना ले। और लोग आ गए फिर से, हम लोग पानी के पास। वो आई जस्ट लव दीज काइंड ऑफ लोकेशंस, लुक एट दैट। सो ब्यूटीफुल। थोड़ा आगे चले। वैसे 6.8 किलोमीटर कंप्लीटेड वाइल माउंटिंग, और हम अच्छा खासा ऑफ रोड में भी हैं अभी, तो आपको उसका भी रिव्यू मिल ही जाएगा। वाह, नुस्ता खूबसूरत, नुस्ता। एंड सी GT2 अभी भी माउंटेड है ऑन माय बर्गमैन। चलो लीविंग टाइम। सी नासिक का वेदर, नासिक के आसपास इतनी सारी जगह है टू हैंग आउट, और ऐसी छोटी मोटी ऑफ रोडिंग ट्रेल्स बहुत सारी मिल जाएंगी आपको नासिक के आसपास। दैट्स वाई आई से ऑलवेज दैट नासिक इज द बेस्ट सिटी टू सेटल। Look at that. So, अगर आप एक नाशिककर हैं और आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसे वीडियोस नाशिक के आसपास के आपके लिए लाते रहूँगा। टेल मी इन द कमेंट्स के नेक्स्ट वीडियो आप किधर से देखना चाहते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट लोकेशन। अभी हो गए हैं 7.6 किलोमीटर्स आफ्टर माउंटिंग द बैग। और ये ट्रेल भी खत्म हो गई है हमारी यहाँ पर, एंड वी आर बैक ऑन द रोड अगेन। वी आर इन मणि नाउ।
एग्जैक्टली 46.5 किलोमीटर फ्रॉम द्वारका। ओके सो वी हैव कंप्लीटेड 10 किलोमीटर एग्जैक्टली 10 किलोमीटर एंड द बैग इज स्टिल माउंटेड। बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ इसको, गिरने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि यहाँ से अंदर हमने इसे लॉक किया हुआ है और हमारी सीट भी लॉक्ड है एज यू कैन सी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकॉन एंड आपके लिए ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूँगा। अभी हम है वनी में ऑन सम ब्रिज और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।